भगवान राम अयोध्या से रामेश्वरम तक अपने वनवास काल में जहां जहां गए उन स्थानों पर एक पत्थर का स्तंभ, उस स्थान का वर्णन वाल्मीकि रामायण के आधार पर जो लिखा है, संस्कृत का श्लोक, उसका हिंदी भावार्थ, ये भी अशोक सिंगल फाउंडेशन की ओर से लगाने का प्रयास है। कोई बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए, अधिक से अधिक 100 वर्ग फीट या 125 वर्ग फीट, 12x10, सत्ताईस सितंबर को पहला स्तंभ आएगा जो मणि पर्वत से जुड़ा है। सभी बातचीत हो गई है, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को दिखाया गया है। बहुत छोटी जगह है, सरकार का एक रुपया प्राधिकरण का खर्च नहीं होगा। उस 100x100 या 120 वर्ग फीट जगह की साज सज्जा वो सब भी फाउंडेशन कर लेगा। 27 सितंबर को एक शिलालेख आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा, आप उसका प्रत्यक्ष फोटो देख सकते हैं। क्या मणि पर्वत का राम वनगमन से कोई वास्ता है क्या? वाल्मीकि रामायण में उसका उल्लेख है, मणि पर्वत है ना पहला? जी पहला, जहां पर बस मणि पर्वत का चूंकि उसमें उल्लेख है तो एक स्तंभ उसकी पहचान भी हो जाएगी हिस्टोरिकल। और वो पत्थर का है, सैंड स्टोन है, जैसा मंदिर में लगा है पिंक कलर का सैंड स्टोन, तो बड़ा लॉन्ग लाइफ होता है, सुंदर भी लगता है। इतना ही कहना। अरे आप विषय बदल गए। और इसका शोध हुआ है, राम अवतार शर्मा वो इसके अनुसंधान करता है, आयकर विभाग से सेवानिवृत्त हैं, हिंदी सेक्शन में अधिकारी थे, अयोध्या से रामेश्वरम तक 10 बार से भी अधिक यात्रा कर चुके हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर ट्रॉली, जीप।